Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about MBBS versus biotechnology. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर आप चिकीज बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस जरूर कर दें। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं या हम लोग यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि MBBS कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या वहाँ पे फायदे मिल सकते हैं। इस पे हम लोग जो है यहाँ पे इन डिटेल एक डिस्कशन करेंगे अपनी इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है और क्यों करना है और कौन से कोर्स को करके आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है या आपके लाइफ स्टाइल के साथ में कौन सा कोर्स जो है वो एडजस्ट हो सकता है या कौन से कोर्स को करने के बाद आप लोग अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। अगर आप लोग MBBS कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर हम लोग उसका कंपैरिजन बायोटेक्नोलॉजी के साथ में करें। बट बायोटेक्नोलॉजी कोर्स उतना भी आसान नहीं होता। अगर आप लोग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स IIT से करेंगे या NIT से करेंगे आफ्टर योर IIT JEE एग्जाम तो फ्रेंड्स वहां पे भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बट उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या उतनी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी या उतना ब्रॉड सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना आप MBBS में पढ़ोगे। और फ्रेंड्स, जो MBBS आप करते हो वो नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद करते हो और नीट एग्जाम को आप तब दे सकते हो अगर आपका 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हुआ है और IIT JEE एग्जाम को आप तब दे सकते हो अगर आपका 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हुआ है। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स IIT से करने के लिए आपको IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपको ये कोर्स NIT से करना है तो आपको सिर्फ जो है वहां पे IIT JEE मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किसी भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं या कॉलेज से करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। और फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में सिर्फ आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अलावा और भी कोर्स कर सकते हैं लाइक जैसे कि BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, तो ये आपको और आसान वहां पे पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब जो MBBS कोर्स है, MBBS कोर्स में आपका जो एडमिशन होता है आफ्टर 12th क्लास वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि आफ्टर 12th क्लास बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट एडमिशन MBBS में हो जाते हैं, जिनका आफ्टर 12th क्लास विदाउट एनी गैप डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आफ्टर नीट एग्जाम, क्योंकि नीट एग्जाम भी बहुत एक तरह से मुश्किल एग्जाम होता है और बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि 12th क्लास के बाद अगर वो नीट का एग्जाम देते हैं तो इसमें अच्छे मार्क्स लेके वो एडमिशन ले लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नीट में अच्छे मार्क्स चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो सिर्फ आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और फ्रेंड्स, जो MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप करोगे उसकी जो एक मान्यता है वो ज्यादा होती है, उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है। बट जो प्राइवेट से आप लोग करते हैं उसको उतनी वैल्यू लोग नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट का जो टैग होता है वो अलग ही होता है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जिपमर या फिर आपने एम्स सुना होगा या PGIMER सुना होगा, तो ये टॉप मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या अदर भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस पे मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना रखी है, उस वीडियो का मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा कि इंडिया में कौन कौन से टॉप 5 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई MBBS कोर्स की। और MBBS कोर्स का अगर आप ड्रीम रखते हैं तो
आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, और नीट एग्जाम जो है वो एक इतना जल्दी या इतना आसानी से आप लोग जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग फिर कोचिंग का सहारा लेते हैं और वो कोटा चले जाते हैं। कोटा आपको पता होगा, कोटा एक शहर है राजस्थान में जहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं परियर कोचिंग के लिए जो हैं वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे फिर उनका 1 to 2 या 1 to 3 ईयर का गैप हो जाता है आफ्टर 12th क्लास बायोलॉजी, तब जाके उनका नीट का एग्जाम क्वालिफाई होता है, तब फिर वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है या उनकी एक बहुत बड़ी तपस्या एक तरह से होती है, और उनका ये इम्तहान भी जो है होता है। उसके बाद वो फिर अपना 5.5 ईयर का MBBS कोर्स करते हैं, बट उनका जो एक स्ट्रगल होता है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता। 5.5 ईयर में उन लोगों को बहुत सारे जो हार्ड फेजेस होते हैं उनको पार करना होता है, और बहुत सारी बुक्स को उनको वहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि MBBS का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही टफ एक तरह से माना जाता है। और वहाँ पे फिर वो लोग जो है 5.5 ईयर के बाद वो ये सोचते हैं कि MBBS करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि MD करना जो है वहाँ पे फिर उनके लिए एक और टास्क बनता है, और विदाउट MD उनको फिर वहाँ पे गुड सैलरी और वहाँ पे रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलता। फिर वो लोग जो है नीट PG के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और नीट PG जो होता है वो 10 times मोर हार्ड होता है नीट UG से। और फ्रेंड्स फिर वो लोग फिर वहां पे मेहनत करते हैं, फिर उनका वहां पे 1 to 3 ईयर का गैप हो जाता है, और कुछ कैंडिडेट्स का तो 1 to 3 ईयर का गैप होने के बाद भी उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिलती। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना MBBS बहुत अच्छे से किया है वो इस एग्जाम को विदाउट एनी गैप भी जो है क्वालिफाई कर लेते हैं या कर सकते हैं। बट जो कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा सा अपने MBBS कोर्स में जो है मौज मस्ती में रहते हैं उनके लिए फिर ये एग्जाम जो है बहुत टफ हो जाता है, और MD करने के बाद ही जो है आप लोगों को एक स्पेशलाइजेशन मिलता है जिस स्पेशलाइजेशन में फिर आप डॉक्टर बनते हो। बट कुछ स्पेशलाइजेशंस ऐसे होते हैं MD में जो हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होते हैं, बट इन स्पेशलाइजेशंस में MD करने के लिए नीट PG एग्जाम में अच्छे मार्क्स होना बहुत जरूरी है, और अच्छे मार्क्स उसके होंगे जो अच्छे से नीट PG एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। और इस एग्जाम के लिए भी फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं बहुत सारी कोचिंग्स का सहारा लेते हैं, और टॉप जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनमें रेडियोलॉजी है, उनमें मेडिसिन है, उनमें पेडिट्रिक्स है, उनमें साइकेट्री है, ये इस तरह के स्पेशलाइजेशंस जो है वहाँ पे हैं। और इन्हीं सभी स्पेशलाइजेशंस में हर एक MBBS स्टूडेंट का MD करने का ड्रीम होता है, क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो अदर कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जो या जो अदर सॉरी जो स्पेशलाइजेशंस हैं वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। उसके बाद जब आप अपना MD करते हैं तो आप JR कहलाते हैं। JR भी दो तरह के होते हैं, जो जूनियर रेजिडेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। उसमें एक क्लिनिकल JR होते हैं या जिनको हम लोग एकेडमिक JR बोलते हैं, और एक नॉन एकेडमिक JR वहां पे होते हैं। तो जो एकेडमिक JR होते हैं उनको वहां पे स्कॉलरशिप या सैलरी, मान लो आप उसको सैलरी प्लस डिग्री दोनों उनको मिलती हैं आफ्टर नीट PG, बट जो नॉन एकेडमिक JR होते हैं उनको सिर्फ सैलरी मिलती है, उनको कोई डिग्री वहां पे नहीं मिलती, और जितने दिन वो वहां पे काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर उनको वो एक मेडिकल कॉलेज या वो एक इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करा देता है। अब फ्रेंड्स जब आप अपना MD कर लेते हैं जो 3 ईयर का होता है, तो फ्रेंड्स आपकी जो JR-शिप है वो खत्म हो जाती है। MD के बाद फिर आप लोग जो है वहां पे 3 ईयर का आपको SR-शिप मैंडेटरी होता है। SR-शिप क्यों मैंडेटरी होता है? SR-शिप इसलिए मैंडेटरी होता है कि उसके बाद फिर आप AP के लिए एलिजिबल होते हैं, मीन्स कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने अपना SR-शिप नहीं कंप्लीट किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है, ये आप लोग जो है चेक भी कर सकते हैं। तो जर्नी जो होती है वो और हार्ड होती
जाती है और फ्रेंड्स एज भी बढ़ती जाती है और आप लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है। और जो आपने 12th क्लास के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखा था तो वो और वहाँ पे जो है एक विकराल रूप ले लेता है और आप लोग जो है फिर पीछे हटने के लायक भी नहीं रहते, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना होता है, आप लोग पीछे नहीं आ सकते। और अगर आपको पीछे आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना है आपका उसको छोड़ के कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल पकड़ना पड़ेगा जिसमें आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट वहां पे काम करोगे, तो वहां पे भी आपको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्राइवेट एक तरह से मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो वहां पे उतनी अच्छी सैलरी नहीं देते या वहां पे आप लोगों को उतनी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जितनी की गवर्नमेंट में मिलती हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स को बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं, बट वहां पे भी बहुत कंपटीशन रहता है जो आपको पता होना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है, यहाँ पे भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ेगा। अब अगर आप SR-SIP कर लेते हैं, SR-SIP के बाद फिर 3 ईयर की SR-SIP के बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो आपको 1.5 लाख के करीब मिलती है। उसके बाद फिर आप प्रमोट हो जाते हो, 5 ईयर के बाद या 4 ईयर के बाद आप प्रमोट हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस लेके आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। फिर 2 to 3 ईयर आप लोग जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर रहते हो, फिर वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। उसके बाद फिर आप एसोसिएट से एडिशनल प्रोफेसर बन जाते हो 2 to 3 ईयर के लिए। उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाते हो और प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 4 to 5 ईयर का होता है। और उसके बाद जो है फिर आप वहाँ पे HOD के लिए एलिजिबल हो जाते हो उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो आपका स्पेशलाइजेशन है। और HOD के बाद की जो पोजीशन होती है वो डीन की होती है, डीन एकेडमिक्स की होती है, और उसके फिर बाद आप डायरेक्टर बन सकते हो। तो इस तरह की एक वहाँ पे टाइमलाइन होती है या इस तरह का एक फ्लो होता है जिस फ्लो को आप लोग जो है अपने 12th क्लास के बाद स्टार्ट करते हो और वो फिर यहाँ तक जो है आ जाता है, डीन तक आ जाता है, डायरेक्टर तक की पोजीशन के लिए आ जाता है या HOD की पोजीशन के लिए आ जाता है। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी फिर होती है जब आप लोग HOD बनते हो तो वो 4 लाख के करीब जो है वहाँ पे हो जाती है और 4 to 5 लाख के करीब आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे मिलती है वो सैलरी। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी एज होती है वो आप लोग यहाँ पे 50+ आप हो जाते हो। तो ये एक जर्नी होती है जिसका बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है जो अपना 12th क्लास बायोलॉजी से करके मेडिकल लाइन में आने का सोचते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की जर्नी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद आप लोग एमटेक करते हैं, बट एमटेक जब आप करते हैं तो आपको IIT से ही करना चाहिए क्योंकि जो IIT से नहीं करते कैंडिडेट्स उनको फिर आगे जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, बट बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है और डेवलप कंट्रीज में जाने के लिए रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। तो अगर आपने अपना कोर्स किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से नहीं किया है तो फिर फ्रेंड्स आपको वहाँ फिर रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम होगी। और रिकमेंडेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स की आपके पास में है, लाइक IIT की या NIT की है, अदर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की है, तो फिर फ्रेंड्स आपको ईजी हो जाता है फॉरन में जाके जॉब करना आफ्टर योर एमटेक। और अगर आप एमटेक के बाद जॉब नहीं करना चाहते या आप लोग MSc के बाद जॉब करना नहीं चाहते, MSc भी आप लोग IIT से कर सकते हैं या NIT से कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आफ्टर IIT जैम एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपना MSc करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में या किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है या उनके खुद के भी कुछ सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम्स वहाँ पे होते हैं जिनके थ्रू आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि MSc या MTech जब आप लोग कर रहे हैं आफ्टर योर BSc और BTech
तो फ्रेंड्स वो आप लोग रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से ही करें, क्योंकि रेपुटेड इंस्टीट्यूशन का जो टैग आपको मिलता है वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और उसके बाद जो जैसे आपने अपना एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में, तो फिर फ्रेंड्स आप लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पीएचडी आप अगर पीएचडी तभी आप करना सोचते हो या आपको करना चाहिए अगर आपका इन फ्यूचर ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। अगर आप एमटेक के बाद या एमएससी के बाद अपनी जर्नी को स्टॉप कर देना चाहते हैं तो फिर आप आरएनडी की जॉब देखें, आरएनडी में जाने का आप सोचें। पर आरएनडी वाले जो होते हैं या आरएनडी वाली जो कंपनीज होती हैं वो उन कैंडिडेट्स को प्रिफर करती हैं जिनके पास में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के टैग होते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि अच्छे इंस्टीट्यूट से ही अपना पीएचडी सॉरी अपना मास्टर्स करना आपको सही रहेगा। और यहाँ पे जो है फिर अगर आप एपी के लिए सोच रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में, तो पीएचडी फिर करना आपके लिए जरूरी है। और पीएचडी आप लोग जो हैं सिर्फ आईआईटी से करें या एनआईटी से करें या अदर उन इंस्टीट्यूट्स या लैब से करें जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए सारी फैसिलिटीज़ हों। ऐसे किस इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग पीएचडी कर लेते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको फिर वहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप लोगों की नॉलेज में इन्हांस नहीं होगा। तो फिर आप अगर किसी भी पोजिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे फिर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहेगी। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का ये एक एडवांटेज वहाँ पे मिलता है। और अच्छे इंस्टीट्यूट में जब आप लोग रहोगे तो आपका माइंड सेट भी वहाँ पे हाई लेवल का होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छी अच्छी लैब्स में काम करने का मौका मिलेगा। और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे ही आपका माइंड सेट जो है वहाँ पे डेवलप होता है। अब जैसे आप पीएचडी कर लेते हो, पीएचडी करने के लिए आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। जैसे बीटेक के लिए आप लोगों को आईआईटी जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा था, बीएससी के लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या जो अदर इंस्टीट्यूशन है उनके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने पड़े थे, एमएससी के लिए आप लोगों को आईआईटी जेएम क्वालिफाई करना पड़ा था, एमटेक के लिए आप लोगों को गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा था, अब पीएचडी के लिए भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और एग्जाम का जो नाम होगा वो होगा सीएसआईआर नेट, डीबीटी जेआरएफ या फिर आईसीएमआर या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम। और गेट के बाद भी जो है आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, बट गेट का जो स्कोर होता है वो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी में ही कंसिडर किया जाता है पीएचडी एडमिशन के लिए। अदर जगह पे या अदर किसी लैब्स में या अदर किसी इंस्टीट्यूशन में, लाइक जैसे कि जो सीएसआईआर की लैब्स होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या जो डीबीटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या जो आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं या लैब्स होती हैं, वहाँ पे इसको कंसिडर किया नहीं जाता। तो फ्रेंड्स ये भी आपको यहाँ पे मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद जो है जब आप लोग ये एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर आप पीएचडी में सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। फिर आप अपनी 5 ईयर की पीएचडी करते हैं अपने सुपरवाइजर के साथ उसकी लैब में रह के। उसके बाद जो है आप फिर पोस्ट डॉक का सोचते हैं। पोस्ट डॉक जो है पीएचडी से भी बड़ी डिग्री होती है, बट वो फॉरेन से करनी चाहिए, वो इंडिया से आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपने इंडिया से ही अपना पीएचडी किया है। क्योंकि जब आप पोस्ट डॉक बाहर से करके आओगे, फॉरेन से करके आओगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपके लिए आसान हो जाएगा और कंपटीशन भी आपका कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉरेन से अपना पोस्ट डॉक करके आते हैं। पोस्ट डॉक का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक होता है, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये मैं आप लोगों के साथ में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स जब आप लोग वहाँ से आते हैं तो भी आप ऐसा मत मानो कि आपका कंपटीशन अब कम हो गया है और आपको अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन है वो आईआईटी में, एनआईटी में या सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें आसानी से मिल जाएगा, या आईआईएससी में आसानी से मिल जाएगा। अब भी कॉम्पिटिशन यहाँ पर है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पे ऐसे ही पोस्ट डॉक करके घूम रहे हैं जिनको अभी तक कोई परमानेंट पोजीशन नहीं मिली है। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से या फिर एमडी एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल से, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट डॉक किया है, बट वो आज भी
ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, लक भी मैटर करता है कई बार, और कई बार जैक भी मैटर करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है, वहाँ पे जब आप आओगे तो कंपटीशन तो तब भी रहेगा, और बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इंडिया में कम है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और इसका जो असर होता है वो हर एक लेवल पे होता है, हर एक आप लोगों के फेज पे होता है, वो चाहे आपका जर्नी का कोई भी फेज हो, या आपको यहाँ पे अपने माइंड में पहले से ही इंश्योर इसको करना है। तो जैसे आप बन जाओगे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपका सीवी स्ट्रांग है, या आपके रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे हैं, या आपका जैक कहीं पे है, तो हर एक कैंडिडेट का जिसने पोस्ट डॉक बाहर से किया है, उसका ये ड्रीम होता है कि वो किसी भी IIT, NIT, IISc या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या किसी भी गवर्नमेंट लैब में जो है एक परमानेंट पोजीशन पे काम करे, लाइक जैसे कि साइंटिस्ट की पोजीशन पे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे। और उसके बाद फिर वो एसोसिएट बनता है, जैसे मैंने बताया मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बताया सेम वही प्रोसेस जो है फॉलो होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, एसोसिएट बनता है, एडिशनल प्रोफेसर बनता है किसी भी IIT में, NIT में, या गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट में, और फिर वो प्रोफेसर बनता है, HOD बनता है, डीन बनता है, डायरेक्टर बनता है। तो फ्रेंड्स, ये एक पूरा का पूरा फ्लो रहता है, और यहाँ पे भी आपको पैसे की कोई समस्या नहीं आती या फैसिलिटीज की कोई समस्या नहीं आती, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बट यहाँ पे जो आपकी एज हो जाती है, वो आपकी एज आपकी जॉब पाते पाते आपकी एज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि जब आप लोग PhD करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे रिसर्च पेपर्स बहुत मैटर करते हैं, और जो अच्छे अच्छे टैग्स होते हैं, जो अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन में हमेशा ही एक वेरी प्रीटी क्रूशल रोल प्ले करती हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आप लोगों के मन में, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सेम टॉपिक पे या इस सेम वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊं, तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और वहां पे मुझे जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यहाँ पे एक आखिरी आप लोगों को लाइन में बताऊंगा, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स पी एलिशन, और वो एक कैंसर इम्यूनोलॉजिस्ट है MD एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल में, और उनका ये कहना है कि मुझे 1,000 या 2,000 या 10,000 लोगों की जान नहीं बचानी है, मुझे करोड़ों लोगों की जान बचानी है। तो करोड़ों लोगों की जान अगर आप लोगों को बचानी है, तो आप लोग ये सिर्फ एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन के या एक रिसर्चर बन के कर सकते हैं। एक डॉक्टर जो होता है वो हजारों लोगों की जान बचाने के लिए तो सही होता है, बट करोड़ों लोगों की जान वो एक टाइम में नहीं बचा सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना का, जो अभी पैंडेमिक आया था। इसमें अगर वैक्सीन ना साइंटिस्ट बनाते, तो करोड़ों लोगों की जान ना बचती। डॉक्टर का अपना एक अलग रोल होता है, साइंटिस्ट का अपना एक अलग रोल होता है, बट साइंटिस्ट को भी जो है इम्पोर्टेंस मिलना बहुत जरूरी है। और जब जेम्स पी एलिसन, जिनको ए नोबेल प्राइज मिला हुआ है मेडिसिन में, उनके फादर ने उनको बचपन में पूछा था, क्योंकि उनके फादर भी एक डॉक्टर थे, तो उनके फादर ने उनको पूछा था कि तुम डॉक्टर बनना क्यों नहीं चाहते, तुम एक रिसर्चर बनना क्यों चाहते हो, तो उन्होंने उनको बोला था कि मुझे लाखों लोगों की जान नहीं बचानी है, मुझे करोड़ों अरबों खरबों लोगों की जान बचानी है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है एक रिसर्चर बन के। कोई भी प्रोफेशन जो है खराब नहीं होता, या कोई भी एक जो काम होता है वो खराब नहीं होता, या पैसा किसी भी काम में कम नहीं होता, पैसा उसी काम में ज्यादा आपको मिलता है जहां पे आप हार्ड वर्क करते हैं, या जहां पे आपका स्किल होता है, जहां पे आपका मन होता है। अपने मन को मार के कभी भी ऐसे डोमेन में मत जाओ जहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे आपकी रुचि नहीं है। सब चीज पैसा भी नहीं होता, आप लोगों का इंटरेस्ट भी होना वहां पे जरूरी है। अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट के साथ में
काम करोगे तो आपको पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।